एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। बीती रात सागर जिले के रहली के राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार विकास चौरसिया और उनके परिवार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पत्रकारों में रोष है, जिसके विरोध में राहतगढ़ और जैसी नगर के पत्रकारों ने शासन से न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि बीती रात पत्रकार विकास और उनके परिवार पर 15 से 20 लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें विकास चौरसिया समेत उनके परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। इसी को लेकर राहतगढ़ के सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री SP के नाम SDOP को ज्ञापन सौंपा। अरे यार, अभी रात में तो रहे हैं, तो चलो ठीक है। सागर जिले के रैली विधानसभा विकास चौरसिया हम पत्रकार साथी, उन पर जिला सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष राजन जावड़िया और उनके साथी लगभग 20 लोग साथी थे, जो उन लोगों ने घर में घुसकर पकड़ा कर हमला किया है, जिसमें विकास चौरसिया, उनके दोनों भाई, उनकी पत्नी, उनकी माँ पर लाठियों से कतरना से हमला किया, जो गंभीर रूप में घायल भी हुए हैं, कुछ को जिला चिकित्सा रेफर भी किया गया है। जैसे आज दिन हमले पत्रकार हो रहे हैं, उससे शासन से मांग की बजाय वही रहा है, बजाय पेपर वाले जो घपड़ों को उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, तो नेता उन पर हमला करते हैं या करवाते हैं, तो क्या मांग है आपकी? मांग है सुरक्षा पत्रकार को सुरक्षा अधिनियम लागू की जाए और उक्त आरोपियों पर जो धारा पुलिस ने लगाई है वो धाराएं कुछ वैसी नहीं है, गैर जमानती धारा उन पर लगना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं जैसी नगर के पत्रकारों ने आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम जैसी नगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन से मांग की गई है कि दोषी व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। रैली के पत्रकार विकास चौरसिया पर जो असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है, उसके जान से मारने की धमकी दी गई है, हम सब पत्रकार इसकी घोर निंदा करते हैं, भविष्य में शासन से ये मांग करते हैं कि शासन हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करे। विगत दिन जो विकास चौरसिया रहली में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भास्कर के संवाददाता हैं, उन पर जो ये हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसी के संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन दिया है और साथ में हम शासन से एक मांग भी करते हैं कि हम पत्रकारों पर अगर इस प्रकार की हमला और घटनाएं हुई तो हम लोग कैसे चौथे स्तंभ बनकर और आपके सामने, लोगों के सामने हमारी सारी चीजें, हम ये जो सही चीजें छापते हैं उनको कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारे लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए ताकि हम शस्त्र ले सकें और हम अपनी सुरक्षा कर सकें। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकवार, राहतगढ़ से धर्मेंद्र राजपूत, सागर TV न्यूज। एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। एडमिशन ओपन कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।